आप देख रहे हैं जोश न्यूज़ और मैं हूं तूपा मतीन। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से लाखों की तादाद में शादी हॉल और होटल के मुलाजमीन बेरोजगार हो चुके हैं। सांगला हिल के मरकजी अंजुमन ताजरान और सांगला हिल शादी हॉल एसोसिएशन के सरपरस्त आला मियाँ ताहिर रफीक इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं, जानते हैं राजा वकास रियाज की इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चेयरमैन अंजुमन ताजरान के सरपरस्त आला और मैरिज हॉल एसोसिएशन के चेयरमैन मियाँ ताहिर रफीक साहब के साथ। इनसे पूछते हैं कि मैरिज हॉल जो इस वक्त बंद है लॉकडाउन की वजह से, वो कब तक ओपन होंगे? उनके जो मुलाजमीन हैं वो मुतासर हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, और उनके बारे में इनकी जो एसोसिएशन है इन्होंने क्या इकदाम कर रखे हैं? जी मियाँ साहब, ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारी जो मैरिज हॉल एसोसिएशन की पंजाब की बॉडी है ना, उन्होंने अपने हर अहकाम बाला तक बेशुमार दरख्वास्तें दी हैं और बहुत कुछ उन्होंने तजावीज़ दी हैं। और हम जो हैं मैरिज हॉल एसोसिएशन वाले मुसलसल 4 महीने से बंद है। 13 मार्च को पहला लॉकडाउन हुआ है, उस वक्त तब से अब तक हमारे किसी काम में नरमी नहीं लाई गई और ना ही आगे से कोई फ्यूचर में पता है कि कब तक ये खोलेंगे। अभी कह रहे हैं कि सितंबर के पहले हफ्ते में आगे, वैसे ही मुहर्रम सफ़र आ गया है। मुहर्रम सफ़र में वैसे ही हमारे कारोबार बंद होते हैं, शादियाँ कम होती हैं, होती नहीं हम बिल्कुल। तो अब पता नहीं, अल्लाह ही वारस है हमारा। ये यहाँ तक तो ये है कि फाकों के पे नौबत आ गई है तमाम वेटर्स वगैरह की। इन्होंने कहा था 12,000 रुपये देंगे, अभी तक हमारे किसी वेटर्स को कोई 12,000 रुपया नहीं मिला। ये सब आपने, ये जो आपका इशू है मुलाजमीन वगैरह का, वेटर्स का और जो शेफ हजरात है, आपने इनका मसला आगे हकामे बाला तक उठाया या नहीं उठाया? बेशुमार दफ़ा इधर हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ने जब लॉकडाउन हुआ तब से लिस्टें ली हुई हैं और वो लिस्टें हमने दे भी दी हैं उनको, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद कुछ नहीं हुआ, एक टका नहीं मिला उनको। ठीक हो जी, बहुत